और मुझे पता है आपको सियान का ये कलर नहीं चाहिए। आइकॉनिक सियान के कलर के लिए हमें फिर से मेन्यू मोड में व्हीकल ऑप्शंस को ओपन करना है, नेक्स्ट मेन्यू कस्टम्स में जाना है, बाद में लिवरी या लाइवरी जो भी है उसे चेंज कर देना है। अब ये अपने असली रूप में आ गई है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का जीटी गेमिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम जीटी 5 में सुपर कार्स और सुपर बाइक को कैसे इंस्टॉल करना है ये बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पर इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और ये ट्यूटोरियल सभी GTA 5 के वर्जन पर काम करता है, पर कई लोगों को एपिक गेम्स के वर्जन पर प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं एपिक गेम्स के GTA 5 के वर्जन में इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ। आप इसे स्ट्रीम या फिर GTA 5 के क्रैक वर्जन में भी विदाउट एनी प्रॉब्लम इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। व्हीकल्स को ऐड करने से पहले आपकी GTA 5 मॉड होनी जरूरी है। अगर आपने पहले से ही GTA 5 को मॉड कर दिया है तो वेल डन, अगर नहीं है तो आपको इस वीडियो से हेल्प मिल जाएगी। पहले आपको इस वीडियो को फॉलो करना पड़ेगा। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा। इसके बाद आपको ओपन आईवी को डाउनलोड करना है। ओपन आईवी को कैसे इंस्टॉल करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट आपको जो कार या फिर बाइक ऐड करनी है उसकी फाइल चाहिए होगी। सभी फाइल्स आपको gta5mods.com पर मिल जाएंगे, और मैंने जो जो फाइल यूज़ की है उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो इस वीडियो में मैं KTM और Lamborghini Sian को ऐड करने वाला हूँ। गेम में हम दो तरीके से व्हीकल्स को ला सकते हैं, एक है ऐड ऑन और दूसरा है रिप्लेस। ऐड ऑन व्हीकल से हम एक्स्ट्रा व्हीकल्स गेम में ऐड करते हैं, तो रिप्लेस वाले व्हीकल से हम जो एग्जिस्टिंग कार होती है उसमें से एक कार को नए कार से रिप्लेस कर देते हैं। कार को कैसे रिप्लेस करना है इसका भी वीडियो मैं जल्द ही बनाऊंगा और ऊपर आई बटन में डाल दूंगा। पर्टिकुलर इस Lamborghini Sian को इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों ही तरीके आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो मैंने सभी फाइल्स को यहाँ एक्सट्रैक्ट कर दिया है। सबसे पहले हमें ओपन आईवी को इंस्टॉल करना है। आपको सिर्फ मैं जैसा करता हूँ वैसा ही करना है। इसे यस करने से लगभग 28 MB की फाइल अपने आप डाउनलोड हो जाएगी। तो लीजिए आपका ओपन आईवी इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसे क्लोज करके दोबारा से ओपन कर देता हूँ। भाइयों, यहाँ पर एक छोटी सी बात हमेशा याद रखना, GTA 5 के नीचे विंडोज, एक्सबॉक्स 360, PS3, PS4 ये असल में बटन्स है। अगर आप विंडोज यूज करते होंगे तो आपको विंडोज पर क्लिक करना पड़ेगा, वरना आपको इंक्रिप्शन की का एरर आ जाएगा। मैं विंडोज यूज करता हूँ तो मैं विंडोज पर क्लिक करूंगा। अब आपको यहाँ आपके गेम की फाइल को ब्राउज करना है। अगर आपको गेम के फाइल का लोकेशन नहीं पता होगा तो आपको लॉन्चर पर राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन कर देना है। देखो यहाँ ऊपर वाली लाइन में आपको फाइल का लोकेशन मिल जाएगा। अब हमें उस लोकेशन को ब्राउज करना है। मेरा पहले से ही आ गया है, फिर भी मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। हमें सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स को ओपन करना है, उसमें एपिक गेम्स का फोल्डर होगा। सिर्फ हमें GTA 5 पर क्लिक करके सिलेक्ट फोल्डर कर देना है। ये देखो हमारा फोल्डर सक्सेसफुली ब्राउज हो चुका है। अब हमें कंटिन्यू करना है। अगर आप चाहे तो गेम का बैकअप ले सकते हो, पर मैं इस वीडियो में मॉड्स फोल्डर बनाने वाला हूँ तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब चाहे मॉड्स फोल्डर को डिलीट कर सकते हो। तो हम कंटिन्यू कर देंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब हमारी गेम का फोल्डर ओपन आईवी में ओपन हो चुका है। अब हमें टूल्स पर क्लिक करना है, उसमें ASI मैनेजर। अब सभी को इंस्टॉल करना है। इसे यस करने से हमारा मॉड्स फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो चलो ये तो हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मॉड्स फोल्डर पूरा खाली है, तो आपको कार्स या फिर बाइक को ऐड करने के लिए अपडेट फोल्डर को मॉड्स फोल्डर में पेस्ट करना पड़ेगा। पर अपडेट फोल्डर की फाइल की साइज लगभग 35 GB की है, और हमें अपडेट फोल्डर में से कई सारे चीज़ें नहीं चाहिए होगी, तो हमें जितना चाहिए उतना ही हम कॉपी करने वाले हैं, वो लगभग 1 GB का होगा। हमें update.rpf वाली फाइल सिर्फ चाहिए होगी, और DLC पैक वो भी पूरा खाली। हमें दोबारा इस फाइल्स को कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फाइल्स अपडेट फोल्डर में पहले से ही है। और ये देखो इस सभी की साइज लगभग 34 GB की है, और यह हमारे लिए यूजलेस है। तो हमें जितना चाहिए उतना कैसे कॉपी करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको फिर से ओपन आईवी में जाकर अपडेट फोल्डर को ओपन करना है, उसके बाद update.rpf को। आपको एडिट मोड हमेशा ऑन करना है। इसके बाद आपको ऐसा कुछ दिखेगा,
आपको सिंपली कॉपी टू मॉड्स फोल्डर सिलेक्ट कर देना है। अगर आपने पहले ही कॉपी कर दिया है तो यहाँ पर शो इन मॉड्स फोल्डर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करने से सीधा आप मॉड्स फोल्डर में जाएंगे। ये देखो अपडेट फोल्डर में से अपडेट डॉट आरपीओ वाली फाइल मॉड्स फोल्डर में कॉपी हो गई है। अब हमें मॉड्स फोल्डर में डीएलसी पैक्स फोल्डर बनाना है। उसके लिए हमें पहले x64 फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा और उसमें हम डीएलसी पैक्स फोल्डर बना देंगे। तो चलो मॉड्स फोल्डर को ओपन करो, फिर अपडेट, यहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएट करके उसे x64 नाम दो। जहाँ पर अपडेट डॉट आरपीएफ वाली फाइल है वहाँ पर मैंने x64 फाइल बनाई है। अब इसके अंदर एक और न्यू फोल्डर बना दो और उसे डीएलसी पैक्स का नाम दो। तो लीजिए आपका मॉड्स फोल्डर का काम हो चुका है। अब हमें सिर्फ कार से या बाइक को ऐड करना है। कार या बाइक को ऐड करने के दो स्टेप्स है, आप इसे किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप में मैं फिर से ओपन आईवी को स्टार्ट कर देता हूँ, फिर मॉड्स फोल्डर को ओपन करना है, फिर अपडेट, देन अपडेट डॉट आरपीएफ, उसके बाद कॉमन, फिर डाटा, उसमें आपको डीएलसी लिस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल को ढूंढनी है और उसे एडिट करना है। इसे आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हो या फिर इस फाइल को डेस्कटॉप पे कॉपी कर लो, वहां से इसे नोटपैड के जरिए एडिट करो। आपको इस फाइल में सबसे नीचे जाना है और जो लास्ट वाला आइटम लिखा है उसके एंड में क्लिक करके एंटर दबा देना है ताकि वो ऐसे नीचे आ जाए। अब आपको डाउनलोड की हुई कार या बाइक की फाइल ओपन करनी है। उसमें रीडमी वाली एक फाइल होगी या फिर कोई भी टेक्स्ट वाली फाइल होगी, उसे ओपन करना है। इसमें ऐसे ही एक आइटम वाली लाइन होगी, आपको उसे कॉपी करना है जैसे है वैसे ही और डीएलसी लिस्ट में पेस्ट करना है। तो यहाँ पर आपने सक्सेसफुली पहली स्टेप कंप्लीट कर ली है। मैं लगे हाथ लैम्बोर्गिनी सियान की भी लाइन यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पर्टिकुलर इस सियान को इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं, पर मैनुअल इंस्टॉलेशन ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि आप इसे फिर से डिलीट कर सकते हो। उसमें मॉड इंस्टॉलेशन वाली फाइल होगी, उसमें ये रही आइटम वाली लाइन, इसे कॉपी करके डीएलसी लिस्ट में पेस्ट कर देंगे। तो हमारी KTM और Lamborghini Sian की एक स्टेप कंप्लीट हो गई है। सेकेंड स्टेप में आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम करना है। अब हम इसे सेव कर देंगे। इन केस जो आपने कार की फाइल डाउनलोड की है उसमें Redmi या फिर जो आइटम वाली लाइन है उसकी कोई फाइल नहीं है तो आपको ऊपर में से कोई भी आइटम वाली लाइन को कॉपी करना है और आपको जैसा कि यहाँ Rmod Sian लिखा है वहाँ उस फाइल का नाम लिख देना है। आप ऊपर भी देख सकते हो बाकी सब कुछ सेम है पर बीच वाला नाम सिर्फ डिफरेंट है। जिस नाम से आप कार को स्पाउन करने वाले हो उसी नाम को आपको बीच में भी पेस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। मैंने GTA 5 की गेम को और डाउनलोड की हुई फाइल्स को ऐसे ओपन कर दिया है। अब आपको मॉड्स फोल्डर ओपन करना है और जो आपने डीएलसी पैक्स का फोल्डर बनाया था उसमें जाना है। अब मैं डाउनलोड की हुई फाइल ओपन करूंगा, मैं यहाँ KTM वाली ओपन कर रहा हूँ और जिस फोल्डर में dlc.rpf वाली फाइल है तो उस फोल्डर को डीएलसी पैक्स में कॉपी पेस्ट या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। लीजिए आपने सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर दी है और आपकी KTM गेम में ऐड हो चुकी है। पर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस फोल्डर में dlc.rpf वाली फाइल है उस फोल्डर के नाम से ही आपको गेम में उस व्हीकल को सर्च करना है। जैसे कि यहाँ RC नाम का फोल्डर है, मैं गेम में RC टाइप करूंगा KTM के लिए और यही फोल्डर का नाम जो आइटम वाली लाइन होती है उसके बीच में होगा। चलो अब हम सियान को भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। पर जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ सीधा dlc.rpf वाली फाइल है, कोई दूसरा फोल्डर नहीं है। तो हमें ये टेक्स्ट वाली फाइल ओपन करनी है और जो आइटम वाली लाइन है उसके बीच वाला नाम कॉपी करना है और डीएलसी पैक्स में जाकर न्यू फोल्डर बना देना है और जो हमने कॉपी किया हुआ नाम है उस फोल्डर को वो नाम दे देंगे। अब हमें dlc.rpf वाली फाइल को इस फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो देखा आपने ये सभी चीजें कैसे अपने आप से जुड़ी हुई है। आपकी Lamborghini Sian की भी इंस्टॉलेशन पूरी हो गई है, अब ये भी कार गेम में ऐड हो चुकी है। चलो अब आपको मैं सियान को दूसरी तरीके से कैसे इंस्टॉल करना है ये बताने वाला हूँ। तो आपको ओपन आईवी को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा और जो लास्ट में डॉट ओ आई वी फाइल है उसे सिर्फ ओपन आईवी में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यार मैं ये एडिट मोड ऑन करना हमेशा भूल जाता हूँ, इसे ऑन कर देता हूँ पहले। अब आपको सिर्फ इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है।
जैसा कि यहाँ लिखा है, ये पैकेज ऑटोमेटिकली रिमूव नहीं होता, इसलिए मैं इसे मैनुअल इंस्टॉलेशन ही प्रेफर करता हूँ। चलो मैं अब आपको गेम में केटीएम और सियान को ऐड करके दिखा देता हूँ। आपको F8 प्रेस करके मेन्यू मोड को ओपन कर देना है, उसके बाद व्हीकल ऑप्शंस में जाना है, फिर व्हीकल स्पॉनर, उसमें सबसे लास्ट इनपुट मॉडल होगा, वहाँ हमें सियान के लिए आर मॉड सियान टाइप करना है और एंटर दबा देना है। तो भाई यो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आपके पास लैम्बोर्गिनी सियान आ चुकी है। और KTM के लिए आपको सिर्फ RC टाइप करना है। और मुझे पता है आपको सियान का ये कलर नहीं चाहिए। आइकॉनिक सियान के कलर के लिए हमें फिर से मेन्यू मोड में व्हीकल ऑप्शंस को ओपन करना है, नेक्स्ट मेन्यू कस्टम्स में जाना है, बाद में लिवरी या लाइवरी जो भी है उसे चेंज कर देना है। अब ये आपने असली रूप में आ गई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो यूजफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर जरूर करना। और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए GT गेमिंग को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी एट होम, स्टे हेल्दी।